नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेनाटोमी पर। और इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ब्रिल कंपनी की जो फाउंटेन पेन इंक है उसकी वायोलेट इंक जो है वो बहुत ही अच्छी लिखती है। वो कैसा लिखता है उसी को लेके हम आज बात करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं प्राइस डिटेल्स। आपको ये 25 रुपीज़ में ख़रीदना पड़ेगा, देख सकते हैं 25 रुपीज़। और इसमें आपको मिलने वाले हैं 60 ml। तो 60 ml के लिए 25 रुपीज़ काफ़ी आज के डेट पे काफ़ी कम ही लगता है, क्योंकि बाकी जो अच्छे ब्रांड हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये सब कलर अवेलेबल है ब्रिल कंपनी से, ये बहुत ही अच्छे कलर्स है। सबसे जो प्रॉब्लम है वो कि आपको अगर इस वहाँ से ख़रीदना है ब्रिल के इंक्स जो ऑनलाइन में नहीं मिलते, तो अगर बाहर से ख़रीदने हैं तो मिनिमम 500 रुपीज़ का परचेज आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए बाकी जो कलर्स है उसको मिला के अगर आप लेते हैं तो अच्छा खासा एक स्टॉक आप अपने घर में बना सकते हैं। साथ में और भी स्टेशनरीज मिलती है जो आपको ऑफिस या फिर आपके बच्चों के लिए लग सकता है, तो एक साथ में मिला के आप लेंगे तो आप ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। तो चलिए अगर बात करें तो क्लियर योर पेन विथ वाटर बिफोर फिलिंग द ब्रिल इंक। इट इज़ यूनिक फॉर्मुलेशन प्रिवेंट्स क्लॉगिंग एंड इट्स क्विक डाइंग ऑन पेपर। ये बिल्कुल सच है। तो चलिए इसको टेस्टिंग के लिए मेरे पास ये दो पेन है। ये दोनों पेन की कीमत अराउंड 22 या 25 रुपीज़ था, वो भी ब्रिल का बनाया हुआ है। ठीक है, ये ब्रिल का येरो है 25 रुपीज़ का। और वहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसकी जो वायलेट जो इंक है उसको मैंने भर दिया इस बोतल में। और एक चीज़ बहुत यूनिक है, बाकी जो पैकेट्स आते हैं वहाँ पर नहीं रहता है, ये अलग से इसको उठा के दिया है ताकि आप इसको खींच के उठा सकें। ज़्यादातर क्या होती है, पैकेट को खोलने से में पैकेट का ये वाला हिस्सा फट जाता है, पैकेट डैमेज होता है। और पैकिंग भी बहुत अच्छा था, मैंने आपसे शेयर किया था, तो ये अलग से दिया है ताकि आप इसको इसे खींच के उठा सकें और ये पैकेटिंग खराब ना हो। तो बोतल कुछ इस तरह की आती है, ये देख सकते हैं। अब मेरे हाथों में कलर रिफ्लेक्ट हुआ देख सकते हैं इस जगह में, तो ग्लास बॉटल में है ये। तो चलिए मैं कुछ लिख के आपको दिखाता हूँ कितनी बढ़िया लिखता है। पेन का पता नहीं, 25 रुपीज़ का पेन है, लेकिन इंक अच्छा होना ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा मैंने सुना है इसके बारे में। जी हाँ, बहुत ही सुंदर है। बहुत ही अच्छा लिखता है, बहुत ही अच्छा लिखता है। मुझे लगता है कि ये 25 रुपीज़ का पेन भी कम नहीं है, ये एक आई ड्रॉपर पेन है। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक से बनाया हुआ, चिप प्लास्टिक से बनाया हुआ। अब देख सकते हैं पेन की जो कैप है, कैप को लगाने, इस क्लिप को लगाने के लिए कैप को लोगों ने डैमेज कर दिया। ये देखिए, क्लिप को लगाने के लिए कैप को ही डैमेज कर दिया, इतनी मीन्स लोअर क्वालिटी के प्लास्टिक से और फिटिंग से। हालांकि 25 रुपीज़ से ज़्यादा हम आशा भी नहीं कर सकते, लेकिन जो नीव है वो काफ़ी स्मूथ है, बहुत अच्छा लिखता है। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसकी जो ये नीब है, ये देखिए, ये भी इतना बेसिक सा है, बस एक मेटल का टुकड़े को जस्ट उन लोगों ने मॉडिफाई कर दिया है। ये देखिए, इस तरीके की आपको निब्स नहीं मिलेगा। बेसिकली निब्स नहीं, एक मॉडिफाइड एक मेटल का टुकड़ा है जिसको एक निब का शेप दिया गया है, इसको आप निब नहीं बोल सकते। लेकिन जो भी हो, इट इज़ वेरी स्मूथ और बहुत ही अच्छा लिखता है। तो चलिए बस इतना ही है इस वीडियो में, और बोलने के लायक कुछ नहीं है। बोलूँगा कि इंक जो है वो बहुत ही जल्दी ड्राई हो रहा था, बहुत ही वाइब्रेंट कलर है।
तो मैं अपनी परचेज से खुश हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी सारे कलर्स को एक साथ में ख़रीदा है। अगर मैं सिर्फ ये वायोलेट अगर मैं वाटरमैन का लेता है या फिर पेलकिन का लेता है, ये सब ब्रांड का अगर लेता है, तो 500 मुझे 30 ml के देना पड़ते। लेकिन मुझे इस तरीके की मैंने 10 या 12, हाँ 12 मैंने बोतल मैंने टोटल मैंने परचेज़ किया है, 20 बॉटल्स परचेज़ किया है डिफरेंट कलर इन 556 रुपीज़, इंक्लूडिंग 15 नंबर्स ऑफ पेंस। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया परचेज था। और ये जो इंक है ये काफ़ी अच्छा वाइब्रेंट कलर है, पेपर्स में बहुत ही अच्छे से ड्राई हो गया बहुत जल्दी। मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए आफ्टर टू सेकेंड्स देखिए कितनी जल्दी ड्राई हो रहा है, 2 सेकेंड्स। तो मेरे ख्याल से एक बेहतरीन पेन है, एक 25 रुपीज़ में। हालांकि बेसिक जो फाउंटेन पेन की जो मॉड्यूल है उसको ये फॉलो नहीं किया है, लेकिन इंक लाजवाब, थम्स अप ब्रिल। तो चलिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।